हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है द मेकोपीडिया। यहाँ मिलते हैं आपको मेकअप से रिलेटेड सारी जानकारी और साथ ही मिलती है मेकअप प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग और रिव्यू। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये एक आई ट्यूटोरियल है जिसमें हम आई शेडो लगाना सीखेंगे, जिसका नाम है हेलो आई। इसमें फ्रेंड्स बेसिकली कैसा होता है, इनर और आउटर कॉर्नर में डार्कर रहता है और मिडिल में लाइट कलर रहता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे लगाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक लाइटर कलर लेके क्रीज लाइन पे लगाएंगे। एक ब्लेंडिंग ब्रश से लाइटर कलर लेके मैं यहाँ पे ब्लू ले रही हूँ, एक लाइट शेड, वो लेके मैं क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से हमें ब्लेंड करना है। फ्रेंड्स, ये लुक काफ़ी इजी है, आप अगर दो तीन बार प्रैक्टिस करते हैं तो ज़रूर बहुत ही अच्छे से आप लगा पाएंगे। मेरा मोटो है कि मैं आप लोग को काफ़ी इजी तरीके से बताऊं। तो अच्छे से देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, ये बिल्कुल लाइट शेड है। इसके बाद हम ब्लू कलर ही ले रही हूँ बट थोड़ा सा डार्क, और एक दूसरे ब्रश से लेकर मैं आउटर कॉर्नर पर अच्छे से इसे लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपको डब डब करके लगाना है। और सेम मैं लेके इनर कॉर्नर में भी हमें सेम कलर ही लगाना है, और दोनों को थोड़ा हल्के से ऊपर के साइड में स्प्रेड करना है। मिडिल में हमें कलर को नहीं लगाना है क्योंकि मिडिल में हम एक लाइट कलर लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल इजी है। अब हमें मिडिल में कंसीलर लेके हमें मिडिल में ज़रा सा लगाना है, हल्का सा लगा लें। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसे थोड़ा सा सुखा लेंगे, हम हल्का सा इसे सुखा लेंगे वरना थोड़ा क्रीज लाइन पड़ सकता है। हल्का सा हम टीएल पाउडर भी लगा देंगे ताकि आई शेडो अच्छे से स्प्रेड हो पाए। उसके बाद मैं एक लाइट शेड ले रही हूँ, मैं यहाँ पे रेड कलर ले रही हूँ। हल्का सा लेके हम एक अलग ब्रश से इस कलर को हल्के से लगाएंगे कंसीलर के ऊपर, हल्के से लगाए। तो ये जब पूरा लग जाएगा आई शेडो तब देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। उसके बाद हम एक पहले वाला जो ब्लू ब्रश था उससे हम ज़रा सा इसे हल्का हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। दोनों कलर बिल्कुल मिक्स लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखना चाहिए। और अच्छे से ये मिक्स करेंगे, और जो पहले वाला जो ब्लेंडिंग ब्रश था उससे और भी अच्छे से एक बार हम ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से सब कुछ बिल्कुल ब्लेंड चाहिए, कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद मैं ज़रा सा ब्लैक कलर ले रही हूँ, जिससे ब्लू कलर लगाया था उसी से ब्लैक कलर लेके मैं आउटर कॉर्नर पे लगा ले रही हूँ। ये देखिए, इसके बाद हम आईब्रो के नीचे ये हाइलाइटर लगा देंगे। ज़रा सा आईब्रो को ऐसे लिफ्ट कर लीजिए और ऐसे लगा दीजिए, सामने की तरफ नहीं लगाया जाता, ये मिडिल से ही लगाया जाता है।
और इन्होंने थ्रेडिंग नहीं की है इसलिए ऐसा लग रहा है। इनकी आईब्रो भी काफ़ी चौड़ी हैं, इन्होंने थ्रेडिंग नहीं किया हुआ है। और ये देखिए थोड़ा इनर साइड में यहाँ टीयर डक्ट के पास भी हम थोड़ा सा हाइलाइटर लगा देंगे। अब फ्रेंड्स मैं ऑफ कैमरा में आईलाइनर ये सब लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ फाइनल लुक कैसा होता है। देखिए फ्रेंड्स फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। ये देखिए मैंने आईलैश नहीं लगाया है, ये इनका ओरिजिनल आईलैश है। आप चाहे तो आईलैश भी लगा सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है ये। ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई कुछ अगर मुझसे कहना है या कुछ पूछना है या कुछ मुझे एडवाइस देना है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय।